हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे असाइनिंग एन एड्रेस टू एन आइडेंटिफायर। मतलब किसी आइडेंटिफायर को हम कैसे एड्रेस असाइन करते हैं। तो देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में ये पढ़ा था, या जो पिछला प्रोग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, उसमें आप देखिए कि किसी भी एरे को जो वैल्यू हमने असाइन की थी, आप पिछला लेक्चर रिफर कीजिए, उसमें देखिए आपको ये मिलेगा कि कोई भी जो एरे हमने ली थी, मान लीजिए इंटीजर x 10, ठीक है, और इसमें जो हम लोगों ने वैल्यूज ली थी वो ये ली थी 10, 11, 12, 13, ऐसे 10 वैल्यूज जो है हमने असाइन कर दी थी एरे को, ठीक है। और आफ्टर एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर डिस्कसिंग द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम वी सॉ दैट कि एरे का जो एलिमेंट है, जैसे हमने कहा x 0, ठीक है, तो x 0 जो एलिमेंट था वो था कौन सा है, ये 10 है, और इसका जो एड्रेस था, ठीक है, यानी ये पूछे बोले कि एड्रेस ऑफ x 0 ये हमारा था 72। ऐसी जो x 1 एलिमेंट था तो इसको तो हमने वैल्यू क्या असाइन की थी, 11, और इसका जो एड्रेस था x 1 का वो था 74, ठीक। तो अब इसमें मेन ये है कि ये जो एड्रेस जो असाइन हुए हैं, ये वैल्यूज तो असाइन यूजर ने की है, हमने की है, ठीक है, लेकिन ये जो एड्रेस असाइन हुए हैं, दिस एड्रेस आर असाइंड बाय द कंपाइलर, दिस एड्रेस आर असाइंड बाय द कंपाइलर ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा पिछले प्रोग्राम में, और ये हम लोग नॉर्मली इसको जानते भी हैं। अब आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि इट इज समटाइम नेसेसरी टू असाइन एन एड्रेस टू एन आइडेंटिफायर। कुछ सिचुएशन में ये जरूरी होता है कि टू असाइन एन एड्रेस, यानी वैल्यू की बात हम नहीं कर रहे, देखिए एड्रेस ये हम असाइन करें किसी भी आइडेंटिफायर को, टू एन आइडेंटिफायर, ठीक है, किसी भी आइडेंटिफायर को मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है वो हम अगर असाइन करना चाहें, तो ये इस सिचुएशन में क्या होगा, और इसका हम एक आपको प्रोग्राम बना के एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, ये पॉइंटर वेरिएबल मस्ट अपियर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक। तो पहली चीज तो ये है कि एक पॉइंटर वेरिएबल जो है आपका लेफ्ट साइड, ऐसा कोई भी असाइनमेंट स्टेटमेंट है उसके लेफ्ट साइड में पॉइंटर वेरिएबल असाइन होगा, ठीक। इट इज नॉट पॉसिबल टू असाइन एन आर्बिट्रेरी एड्रेस टू एन एरे नेम और टू एन एरे एलिमेंट। तो पहली चीज तो इसने कहा कि एक असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड में एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, तो मान लीजिए पॉइंटर वेरिएबल हो गया पीवी, पहली चीज। दूसरी चीज उसने क्या कहा है कि आर्बिट्रेरली, आप आर्बिट्रेरी ढंग से एड्रेस नहीं असाइन कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू असाइन एन आर्बिट्रेरी एड्रेस टू एन एरे नेम और टू एन एरे एलिमेंट, हेंस द एक्सप्रेशंस सच एज x, x+i एंड एम्परसेंट ऑफ xi कैन नॉट अपियर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे आपने लिखा कि कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट आपने लिखा ये कि x, आप इस तरह नहीं लिख सकते x इक्वल टू इतना, या आपने लिखा कि x+i इक्वल टू इतना, या आपने लिखा एम परसेंट ऑफ xi इक्वल टू इतना, मतलब कि इस तरह के जो एक्सप्रेशन है ये लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में असाइनमेंट स्टेटमेंट के नहीं आ सकते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि हाउएवर द एड्रेस ऑफ एन एरे कैन नॉट आर्बिट्रेली बी अल्टर्ड, और ना तो किसी भी एरे का एड्रेस जो है आप आर्बिट्रेली रैंडम ढंग से चेंज कर सकते हैं। तो जब आप रैंडम ढंग से चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब कि एरे के लिए आप ++x ये जो है परमिटेड नहीं है। तो ये दोनों तीनों चीजें याद रखिएगा, क्योंकि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी आइडेंटिफायर को हम एड्रेस कैसे असाइन करेंगे। तो हमें जब हम एड्रेस असाइन करें, उसमें पहली चीज क्या है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड में एक पॉइंटर वेरिएबल आना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज क्या है कि हम आर्बिट्रेरी ढंग से एड्रेस नहीं असाइन कर सकते हैं, यानी कि आपने इस तरह लिखा और इक्वल टू कुछ भी लिख दिया, इस तरह लिखा आपने इक्वल टू, तो इस तरह से आप नहीं असाइन कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या है
कि आप आर्बिट्रेरी ढंग से एड्रेस को चेंज भी नहीं कर सकते हैं, ना तो आर्बिट्रेरली एड्रेस आप असाइन कर सकते हैं, ना तो आर्बिट्रेरली आप एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट ये है, ठीक। अब इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक प्रोग्राम बना के बताता हूँ कैसे एड्रेस असाइन किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या किया, मान लीजिए हमने यहाँ से प्रोग्राम शुरू किया, तो हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio डॉट h, ठीक। उसके बाद हमने क्या लिखा, हमने लिखा मेन, यहाँ पे हमने लिख दिया एक एरे डिक्लेयर किया इंटीजर लाइन, लाइन के नाम से 80 एलिमेंट की एरे डिक्लेयर हो गई, ठीक है। एक हमने पॉइंटर वर्ब लिया इंटीजर pl, पॉइंटर ऑफ लाइन समझ लीजिए, इंटीजर pl लिख दिया इसको हमने, ठीक है। अब अपना बाकी जो भी स्टेटमेंट अगर हम देना चाहें तो यहाँ पे हमने दे दिया, नहीं देना चाहे मत दीजिए। अब हमने कमेंट लाइन लिखा कि असाइन वैल्यूज, असाइन वैल्यूज, वैल्यूज असाइन कीजिए। तो अब वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, तो हमने लिखा से लाइन टू, जो लाइन का सेकंड एलिमेंट है, दैट इज इक्वल टू, लिख दिया हमने लाइन वन, पहले एलिमेंट को टू में डाल दिया, फिर लाइन टू में हमने लिखा लाइन प्लस वन, ये कर दिया हमने, फिर हमने लिखा लाइन प्लस टू इज इक्वल टू हो गया लाइन वन, फिर हमने लिखा लाइन प्लस टू लाइन प्लस वन, ठीक। फिर हमने यहां पे लिखा असाइन एड्रेसेस, असाइन एड्रेसेस, ये हो गया pl इज इक्वल टू हो गया एड्रेस ऑफ लाइन वन, और फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं pl इज इक्वल टू लाइन प्लस वन, और यहाँ पे हमने प्रोग्राम क्लोज कर दिया। अब आप देखिए, जो मेन चीज समझने की है वो आप देखिए इस प्रोग्राम में क्या है कि देखिए इसमें क्या है, ईच ऑफ द फर्स्ट फोर असाइनमेंट स्टेटमेंट असाइन द वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी एरे एलिमेंट, मतलब कि ये जो पहले चार असाइनमेंट स्टेटमेंट हैं 1 2 3 4, ये क्या कर रहे हैं, दे आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ द सेकेंड एरे एलिमेंट। तो एरे की स्टार्टिंग आपको मालूम है कि एरे की स्टार्टिंग का लाइन जीरो पहला एलिमेंट होगा, फिर लाइन वन दूसरा होगा, फिर लाइन टू तीसरा होगा, एरे में इस तरह होता है ना। तो ये कौन सा है, ये एरे का सेकेंड एलिमेंट है। तो ये जो पहले चारों स्टेटमेंट है, चाहे ये देखिए, यहाँ लाइन टू हमने डायरेक्ट लिखा है, यहाँ हमने इसका पॉइंटर का इस्तेमाल करके लिखा, लेकिन चारों का मतलब एक ही है, यानी वही वो कह रहा है कि पहले जो चार असाइनमेंट स्टेटमेंट हैं वो एरे के सेकेंड एलिमेंट में, दे असाइन द वैल्यू ऑफ द सेकेंड एरे एलिमेंट टू द थर्ड एरे एलिमेंट, यानी कि ये जो सेकेंड एलिमेंट है वन 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 वन, इसकी वैल्यू किस में दे रहे हैं, टू वाले में। और टू कौन सा है भाई, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, और ये थर्ड एलिमेंट है। तो ये चारों स्टेटमेंट सेकेंड की वैल्यू थर्ड एलिमेंट में दे रहे हैं, ठीक। हेंस ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर इक्वल, सेम काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि अब अगर मान लीजिए इसमें कोई एक्सपर्ट आदमी होगा या जो स्किल्ड प्रोग्रामर होगा, एक्सपीरियंस प्रोग्रामर होगा, वो क्या करेगा कि ही और शी वुड प्रोबेबली चूज आइदर द फर्स्ट और द फोर्थ, हावेर इन ऑर्डर दैट द नोटेशन बी कंसिस्टेंट। तो जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर होगा वो या तो पहला वाला चूज करेगा असाइनमेंट वाला, या तो फिर चौथा
चौथा वाला चूज करेगा। ठीक, अब इसमें क्या है कि द लास्ट टू असाइनमेंट स्टेटमेंट ईच असाइन द एड्रेस ऑफ द सेकेंड एरे एलिमेंट टू द पॉइंटर पी एल। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं, ये क्या कर रहे हैं, लास्ट के दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों ये क्या कर रहे हैं कि असाइन द एड्रेस ऑफ सेकेंड एरे एलिमेंट टू द पॉइंटर पी एल। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये भी पहले का एड्रेस असाइन कर रहा है इसको, और ये भी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस असाइन कर रहा है पीएल को। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब इसमें मान लिया आपको एक एक्चुअल प्रोग्राम चूज करते हैं, टू डू दिस इज इन एक्चुअल प्रोग्राम इफ इट वर नेसेसरी टू टैग द एड्रेस ऑफ, इफ इट इज नेसेसरी टू टैग द एड्रेस ऑफ लाइन वन फॉर सम रीजन। ठीक है, नोट दैट द एड्रेस ऑफ वन एरे एलिमेंट कैन नॉट बी असाइन टू सम अदर एरे एलिमेंट्स, हेंस वी कैन नॉट राइट ए स्टेटमेंट सच एज। अब चूंकि एक एरे एलिमेंट का जो एड्रेस है उसी एड्रेस को आप दूसरे एरे एलिमेंट को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमने ये लिखा कि साहब मान लीजिए एड्रेस ऑफ लाइन वन, ठीक है, इस एलिमेंट का जो एड्रेस है वो हम इधर असाइन कर दें एड्रेस ऑफ लाइन टू, तो ये नहीं संभव है, एक का एड्रेस दूसरे को हम नहीं दे सकते हैं। तो ऑन द अदर हैंड वी कैन असाइन द वैल्यू ऑफ वन एरे एलिमेंट टू अनदर थ्रू ए पॉइंटर इफ वी विश। एड्रेस आप एक का दूसरे को नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू आप दे सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया लाइन वन की वैल्यू आपने उठा के पीएल में दे दिया, या पीएल में जो वैल्यू है उसको उठा के आपने लाइन टू को दे दिया, तो वैल्यूज को तो आप दे सकते हैं लेकिन एड्रेस को नहीं दे सकते। या इसी चीज को आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं कि PL इक्वल टू लाइन प्लस वन, या आप ऐसे लिख सकते हैं लाइन प्लस टू इज इक्वल टू स्टार ऑफ PL। ये तो संभव है। अब इसमें क्या होगा कि इफ ए न्यूमेरिकल एरे इज डिफाइंड एज ए पॉइंटर वेरिएबल The array elements cannot be assigned initial values. If a numerical array is defined as a pointer variable, the array elements cannot be assigned initial values. Therefore, a conventional array definition is required if initial value will be assigned to the elements of a numerical array. However, a character type pointer variable can be assigned an entire string as a part of the variable declaration. Hence, a string can conveniently be represented by either a one-dimensional character array or a character pointer. ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि एरे को किसी भी आइडेंटिफायर को एड्रेस असाइन करने में आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इस तरह से आप एड्रेस असाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।